नमस्ते शाक्स, मैं कल्याणी शाह, डायरेक्टर और को फाउंडर। आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। मैं बिपिन शाह, सलाहकार और डायरेक्टर, 69, वलसाड़ गुजरात से, सिटी ऑफ मैंगो। मैं तन्मय शाह, फाउंडर और CEO, और मैं 39 ईयर्स का हूँ। और हम है मोरिको प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। हम यहाँ हमारे पापा का सपना पूरा करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर वर्ष खेत उत्पादनों का 15% से ज्यादा अवशिष्ट यानी वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसको सड़ने से बचाने का कोई उचित उपाय नहीं है और किसानों को उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। मार्केट में फर्स्ट सॉर्टिंग जो सबसे खूबसूरत दिखने वाला बढ़िया सा बड़ा सा फ्रूट होगा वो बिकेगा, थोड़े कम दामों में थोड़ा सा छोटा थोड़ा सा कम कलर वाला फ्रूट बिकेगा, लेकिन उन फलों का क्या जो साइज में कम है, कलर में कम है, दिखने में कम है, गुणवत्ता में कम नहीं है, किसान वो फ्रूट बेच नहीं सकते। उसकी वजह से या तो वो फ्रूट चला जाता है कोई भी कचरे में, या वो फ्रूट चला जाता है कंपोस्टिंग में, किसान को उसका पैसा नहीं मिलता। हमने एक बात सोची कि भाई भारत में 300 दिन सूर्य अवेलेबल है, तो क्यों नहीं हम सोलर बेस्ड कुछ काम करें। और तब जाके कामधेनु फूड्स की एक रचना हुई। सोलर डिहाइड्रेशन की मदद से हम मुंह में पानी लाने वाले स्वादिष्ट, स्वस्थ, पौष्टिक और सबसे बेहतरीन फल आधारित बार्स, रोल्स, स्लाइसेस और पाउडर्स का निर्माण कर सकते हैं। सोलर डिहाइड्रेशन की इस तरीके की उत्पादन के लिए हम भारत की एकमेव कंपनी है। तो दुनिया के हेल्थ स्नैक नक्शे पर भारत का स्थान रखने का यह एक क्रांतिकारी मौका है। क्या है ये? वाची। क्या होता है वो? अमरूद मिर्ची डाल के। ओ, आपको मुझे देख के पता चल गया मुझे क्या पसंद आएगा। लड़कियों को सब पसंद है। जहाँ से ये आया है उससे कई ज्यादा अवेलेबल है। हम ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग APMC और किसानों के साथ टाई अप करके इन्हें सोर्स करते हैं अपने प्लांट तक लाने के लिए। तो मैं एक चीज पहले समझना चाहूंगा, आप तीनों मिलके बिजनेस चलाते हैं या सर ने बिजनेस शुरू किया, आपने टेक ओवर किया, ये क्या है कहानी, एक बार बताएंगे? पिताजी हमें गाइडेंस देते हैं। इनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ही बढ़िया है। इवन एट दिस एज एंड बीइंग फास्टिंग सिंस पास्ट 22 इयर्स, ये हमारे साथ सुबह 4 बजे उठ के मार्केट आते हैं, प्रोड्यूस चेक करते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन पार्ट। मैं कभी बुड्ढा था नहीं, हूं नहीं और होने वाला हूं। कोई मुझे बोलेगा कि उम्र हो गई तो मैं बोलूंगा भाई बुड्ढा होगा तेरा बाप। थोड़ा निजी सवाल है अगर मैं पूछ सकूं। हाँ जी। 20-22 साल से फास्टिंग कर रहे, इसका क्या मतलब है? I am a Jain, we follow Jain traditions. अभी जो मेरा व्रत चल रहा है 52 दिवस का है, उसमें एक बार खाना खाता हूँ सूखी रोटी, दाल या खिचड़ी, उसमें सिर्फ नमक होता है और कुछ भी नहीं होता, कोई मसाला नहीं, कोई तेल नहीं। आज मेरा 42nd डे है। आपको कमजोरी नहीं महसूस होती? आपको लग रहा है कमजोरी? अरे बाप रे, वो मुझे थका देते हैं। वेरी गुड आंसर अंकल, फैंटास्टिक। पहला तो तमने मळीन बहु सारू लाग्यू मने। अरे वाह, बहु सारू लाग्यू। अन तमारी वातो सांभळीन तो इतली मजा आई मने। अहींया तमे ज्यारे उभा रह्या था बहु सारू लाग्यू। अब बहुत ही बढ़िया विजन है आप लोगों का। नमस्ते शार्क्स, हम हैं लेट्स ट्राई के फाउंडर। मैं हूं नितिन। मैं हूं चित्रा। मैं हूं नीलम कालरा। मैं हूं गीतांजलि। हम दिल्ली से हैं। जैसे कि हर बच्चे को बाहर के स्नैक्स और जंक फूड बहुत पसंद है, वैसे ही मेरे बेटे को भी बाहर के स्नैक्स और जंक फूड बहुत पसंद है। जब मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट हुआ तो मेरा पूरा ध्यान उसे हेल्दी स्नैक्स प्रोवाइड करने पर चला गया। पर मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर हम भरोसा नहीं कर सकते थे। मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल यूज होता है और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। कस्टमर प्रेफरेंस, फीडबैक एंड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स कहीं नजर नहीं आते हैं। इसी को देखते हुए हम कालराज ने लेट्स ट्राई की शुरुआत की, जहां हम हर वर्ग और हर घर के लोगों को हेल्दी स्नैक्स विद क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। हमारे ब्रांड में लगभग 50 वैरायटी के हेल्दी और डिलीशियस स्नैक्स मिलते हैं। हम प्राउडली कहते हैं कि हम 30-50% बेस इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फ्लेक्सी भुजिया, इसमें 40% फ्लेक्सीड्स यूज करे हैं। हम सारे प्रोडक्ट्स में 100% ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं और इसमें कोई भी एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। इंडिया,
जहाँ की स्नैक्स मार्केट आज 84,000 करोड़ है और आने वाले 5 साल में वो डबल होने वाली है। आज हम इंडिया के टॉप मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में, बिगेस्ट ई कॉम प्लेटफॉर्म में, 600 प्लस स्टैंड अलोन स्टोर्स में, प्लस अपनी खुद की वेबसाइट से लाखों कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स पहुँचा रहे हैं। हमारा इसमें यूनिक फ्लेवर है पीनट पार्टी मिक्स, जिसमें हमने 4 तरह के पीनट्स को अपने आलू लच्छे के साथ मिक्स करके प्रोडक्ट बनाया है। ये हमारा सबसे ज्यादा सेल करने वाला है। कौन सा ये पीनट वाला? पीनट पार्टी मिक्स एंड प्रीमियम रेंज में हमारा फ्लेक्सीड सबसे ज्यादा बिकता है। उसके साथ हमने खट्टा मीठा रेंज बनाया है, यूनिक रेंज, एंड हमारा दाल भिजी। ये फ्राइड है ना? या दिस आर द फ्राइड। फ्राइड है बट द हेल्दी पार्ट इज फ्लेक्सीड। इज इट फेयर टू से ये हेल्दी नहीं है लेकिन कम हानिकारक? वी हैव रोस्टेड रेंज एज़ वेल। तो कालराज, आपका रिलेशनशिप मेरे को बताएंगे? ये मेरी वाइफ हैं चित्रा, मेरी मदर एंड मेरी सिस्टर। ये प्रोडक्ट जो भी डिजाइन किए हैं ये मेरी वाइफ ने डिजाइन किए हैं। ओके, आपका बैकग्राउंड है डिजाइन में? मैं यूएक्स डिजाइनर हूँ। अच्छा जी, तो लोगो से लेके डिजाइन, पैकेजिंग डिजाइन, वेबसाइट, तो ये सारी डिजाइनिंग मैंने करी है। और आंटी जी? हम फैक्ट्री देखती हूँ। Okay, very मैंने good. सदर बाजार में 15 साल बिजनेस किया हुआ है होलसेल मार्केट में। हाँ, नहीं, फैक्ट्री देखने में वाला ही जाके देखती हूँ मैं। आज भी बोल बिल्कुल। और आप? ये सारे डिजाइन जो है, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैंने ही डिजाइन किए हैं। और आपकी भाभी बोल रही है सारे उन्होंने किए? अभी झगड़ा हो जाएगा भाभी और ननद में। नहीं नहीं नहीं, झगड़ा नहीं। तो विजुअली जो है वो मेरी वाइफ ने डिजाइन किया, जो प्रोडक्ट का जो जन्म हुआ वो मेरी सिस्टर ने किया। ये तो क्लियर है आप पूरी फैमिली लगी हुई है इस बिजनेस में। यस सर। हाय शाक्स, मेरा नाम है विनीत। हेलो शाक्स, मेरा नाम है दर्शील। हाय शाक्स, माझं नाव आहे गीता पाटील आणि मी, मला एवढ्या आज मोठ्या मंचावर मला खूप 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 आनंद झाला आहे। आराम सर, बोला बोला। हां, मला सगळं कळतंय तुम्ही काय सांगताय, बोला तुम्ही, मग त्यांना मी ट्रान्सलेट करून सांगणार। हाय शख्स, मुझे खाना बनाने का और सबको खिला के बिगाड़ने का पहले से शौक था। बहुत अच्छे। तो इसीलिए प्यार से लोग मुझे काकी काकी कह के बुलाते हैं। और मेरे शौक से ही मैंने घर से ही छोटा सा स्नैक्स का बिजनेस शुरू किया था, सिर्फ 5,000 रुपए से। फिर 2020 में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मेरा बिजनेस और बड़ा करना चाहिए। तो फिर मैंने मेरे बेटे से बोला कि चल मेरे लिए ऊट और मेरे लिए वेबसाइट बना दे। तो फिर उसने भी मान लिया और एक ही रात में पूरा वेबसाइट बना दिया। और यहाँ से हमारी पाटिल काकी की शुरुआत हो गई। पाटिल काकी कैसा ब्रांड है जो होम स्टाइल नमकीन केटर करता है, जैसे चकली, चिवड़ा, मोदक, पूरनपोली और कई और तरह के लड्डू जो घर की याद दिलाते हैं। तो शाक्स, मार्केट में करंटली दो टाइप के स्नैक्स अवेलेबल है, लोकल एंड ब्रांडेड। लोकल सेलर्स लो क्वालिटी रॉ मटेरियल्स यूज करके बनाते हैं, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। ऑन दी अदर हैंड, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में कई तरह के प्रेजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होता है जो लोगों को नहीं पसंद। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोगों को ऑफर करने के लिए पाटिल काकी लेकर आया है एक होम स्टाइल हाइजीनिक स्नैक्स, एंड वी सेल दीज प्रोडक्ट्स ऑन आवर वेबसाइट। शाक्स, आज तक हमने 18,000 कस्टमर्स तक रीच आउट करा है। वाह। एंड हमारा विजन ये है कि ये जो हम होम स्टाइल स्नैक्स बनाते हैं इनको हम पूरे इंडिया तक पहुंचा पाए। आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने विनीत, मैं काकी का बेटा। काकी का बेटा? मेरा नाम है दर्शील, आई एम विनीत्स फ्रेंड। अच्छा, मैं सोचा छोटे बेटे हो। नहीं नहीं नहीं। तो वो लावारिस था तो हमने उसको ले लिया। आप क्या करते थे विनीत जी जब मम्मी ने कहा अरे बेटा उठ उठ वेबसाइट बना, वेबसाइट बना। एक आपको एक ओवरव्यू बता देता हूं हमारी एक्चुअल स्टोरी का, ठीक है? तो स्टोरी कहीं कहीं 2016 से स्टार्ट होती है, ठीक है, जहां पे दो चीजें हुई। फर्स्टली, मेरी मॉम ने ये बनाना चालू करा स्नैक्स, एट द सेम टाइम मैंने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट करा था। अरे, कौन सी क्लास में थे जब ड्रॉप किया? मैंने SSC कंप्लीट करा एंड आई थिंक कॉलेज 2 महीना गया रहूंगा मैक्स। क्यों ड्रॉप कर दिया कॉलेज? सो मैंने 8th से ही मैंने कोड वगैरह करना स्टार्ट किया था, 9th से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी, तो 11th तक मेरे पास अच्छे खासे क्लाइंट्स थे और मंथली सर्वाइवल के पैसे वहीं से बन जाते थे। वाओ। उसके बाद में हमने, मैंने और दर्शील ने मिलके हमने एक
हमने पहले सोचा था कि हम एडटेक कंपनी चालू करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली तब हम उतने मैच्योर बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमने वीडियोस तो रिकॉर्ड करी थी जो बिल्कुल भी एडिट करने के लायक नहीं थी। फिर उसके बाद अर्शील ने और मैंने साथ में एक आईटी सर्विस कंपनी चालू करी, जो हम एक अच्छे खासे स्केल तक लेके गए, जहाँ से हमने पैसे भी बनाए। बट आफ्टर अ पॉइंट फिर हमें ये रियलाइज हुआ कि इसको स्केलेबल बनाना है, तो हमें प्रोडक्ट बेस्ड में जाना था, तो इसलिए फिर मैंने एक मैट्रेस कंपनी ज्वाइन करी थी उसके बाद, विच वॉज अ D2C मैट्रेस ब्रांड, जहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखी, मैंने लॉजिस्टिक सीखा, मुझे ये पता चला कि मतलब एक्चुअल में पैसे कमाए कैसे जाते हैं ये बिजनेस में, और इसको स्केल अप कैसे किया जाता है। आफ्टर स्पेंडिंग 2 years ओवर देयर, फिर हम लोग वापस प्रोडक्ट के लिए ढूंढने लगे, और प्रोडक्ट हमें फिर फाइनली घर पे ही मिला। दुनिया भर में तलाश कर रहे थे, प्रोडक्ट बैठा है घर में। वाह, आज काय बनवलंय नाश्ता? मस्त सुगंध येतोय। कांदा पोळी बनवते। संध्याकाळी काय करणार आहे तुम्ही डब्याला? मला पुरणपोळी आणि मोदक करून द्याल। आता पोहे नंतर मोदक बनवणार आहे। में जब मेरे मिस्टर की जॉब छूट गई थी, वो टाइम से घर खर्चा चलाना ये वो सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम लोग ने बोला अभी खाना इतना हम लोग अच्छा बनाते हैं, सबको पसंद भी आता था, तो फिर हम लोग ने BMC ऑफिस में नाश्ते से शुरुआत की। पहले तो छोड़ते भी नहीं थे अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको पसंद आने लगा। सब डिपार्टमेंट वालों ने हम लोग को, फिर वो वार्ड ऑफिसर को एक लेटर लिख के दिया था, फिर हम लोग को परमिशन दिया आने का। लॉकडाउन हुआ तो अभी बोले अभी फिर से प्रॉब्लम चालू हो गया, अभी क्या करेंगे, तो फिर मैंने चकली चिवड़ा ऐसा स्नैक्स बनाना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके 10-15-20 ऐसे ऑर्डर आने चालू हो गए, काफी पसंद आ रहा है लोगों को। इतना तो हम लोग उसके ऊपर से मालूम पड़ा, लॉकडाउन में हम लोग ने पाटिल काकी की शुरुआत की। काकी के साथ में 2019 से काम कर रही हूँ, और पूरणपोली मोदक सब उन्हीं से ही सिखाए। पटापट करायचे आहे, लवकर लवकर बाहेर ऑर्डर थांबलेत ना, कसे बराबर आणा चाहिए, साइड में सब डिझाईन अच्छे से दिखना चाहिए। काकी रहेंगे तो मतलब एक सपोर्ट रहता है माँ के जैसा, माँ है पीछे, कुछ गलती हो जाए तो संभालने के लिए। प्रश्न ये था कि अभी जो आपका बिजनेस है ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है कि आपको एक पैन इंडिया लेके जाने की एक ड्रीम है आपकी? नहीं नहीं, मुझे तो हर सिटीज में या हर सब जगह जाना है। वाह 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 वाह। तो हमारे बाकी कहीं प्रोडक्ट्स हैं जो काफी अच्छे हैं टेस्ट वाइज भी, एंड जो जिस तरीके से वो बनते हैं, तो हमें पाटिल काकी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें नेशनल लेवल तक ले जाना। बट आई डोंट एग्री विद यू। I don't agree with them. With them? Yeah. उसको खाना खाना है इसलिए। आप कह रहे हो टेस्टी है, टेस्टी है, हम बिना खाए तो नहीं बता सकते ना कि कैसा है। चलो अभी अभी आते खाने में आते हैं। हाँ। ये मोमोज जैसा लग रहा नहीं? नहीं वो मोदक है, मोदक महाराष्ट्रियन चिवड़ा। ये राइस का आटा होता है और अंदर कोकोनट और गुड़ होता है, बहुत यम्मी होता है। अरे डिजर्ट है। इसमें कितनी कैलोरीज है? बहुत कम है, खा ले, घर का बना हुआ ऑलमोस्ट स्टीम्ड है यार। ये बहुत अच्छा है, उगड़ी चा मोदक मैं बता रही हूँ, मतलब ये ले मेरा भी खा, तू ले ले इसको, दे दे कौन? हाँ दे दे, दे प्लीज, दे दे, खुल जाए, तू भी दे दे। अच्छा है ये चकली भी घर पे बनाए? बाजनीची चकली, अलग अलग इसके दाल रहते हैं।